तो अंधेरा होने से पहले हमारा घास लग चुका है। यस, हमने अपना टास्क पूरा कर लिया है और अब चलते हैं घर की ओर। हाय दोस्तों, आज पापा भी घर ही पे हैं और खेत में बोया जा रहा है लहसुन और ये राई के पौधे हैं। यहाँ पे इसको लगाएंगे किनारे किनारे से। मम्मी तुम्हारा पुन भूरी नहीं, धूप ढल चुकी है और हमारी माता जी खाना खाने के बाद छत में आई और चाय पीने का भी इनको टाइम नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों, जय श्री राम। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल चला पे। आशा करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो भाई आज का व्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं। सुबह के बज रहे हैं 9 और बाहर लगी है बहुत प्यारी सी धूप। दिखाते हैं आप लोगों को जल्दी से, और आज मुझे काम करना है बहुत इम्पोर्टेंट, तो दिखाते हैं कौन सा काम है वो। पहले चलते हैं मौसम की तरफ। आज का मौसम बहुत जबरदस्त, धूप खिली हुई है और नीला नीला आसमान आप सब लोग देख सकते हैं। और ये देखिए सूर्य देव भी यहाँ से ही और यहाँ तक पहुँच चुके हैं सूर्य देव भी। हमारे दोस्त आज पापा भी घर ही पे हैं और खेत में बोया जा रहा है लहसुन और ये राई के पौधे हैं। यहाँ पे इसको लगाएंगे किनारे किनारे से। तो मुझे भी एक काम मिला हुआ है, ये देखिए इसकी सफाई करनी है मुझे आज। इसकी सफाई कर लेते हैं, उसके बाद नाश्ता करके माँ को खाना लेने भी जाना है नाश्ता। तो भाई अब करते हैं इसकी सफाई। तो भाई दोस्तों अपना हो गया है नाश्ता और इन्होंने माँ के लिए बनाया चाय और खेत में लेकर जाएंगे माँ को नाश्ता। और मैं भी जाऊंगा आज खेत में, तो वहाँ बोले तो चारी में जहाँ पे घास काटा जा रहा है वहाँ पे माँ के साथ जाना है। कुछ चलते हैं, खाना रख देते हैं और पापा भी यहाँ पे लगे हुए हैं बाहर पे। आजकल बंदर आ रखे हैं, बहुत भयंकर चोरी कर रहे हैं बंदर। 6वीं का वो ढाल ले गए, पापा ने निकाला। अच्छा आज ड्यूटी है, 6वीं का ढाल ही ले गया ये नीचे। यहाँ इधर ही पीड़ी पेड़ है, तो यहाँ पे बंदर ही बंदर रहते हैं। भैया मैं तो चलूंगा, अब हम जाएंगे माँ के साथ नीचे खेत में। पहले इनको बांध देते हैं अंदर, रुक्मणी और बसंती को। भाई बहुत तगड़ी धूप हो रही है, 10 बज चुके हैं, इनको अंदर बांध देते हैं। पहले इनके खूंटे पे घास रखना पड़ता है, नहीं तो इतनी आफत निकालते हैं बहुत खतरनाक। कभी इधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं। अल्लू अब मैं कैसे बांधूंगा इसको अंदर, यहाँ तो घास है ही नहीं। मुझे माँ ने कहा था घास लेने के लिए, उसके बाद घास देकर उनको अंदर बांधना था। मैं वहाँ पे गया लेकिन वहाँ पे तो घास था ही नहीं। फिर अचानक से याद आया, माँ ने तो कहा था पहले घास लेने आया आना और फिर उनको अंदर बांधना है।
अब चुप रहते हैं, जरा गाली खाते हैं। मम्मी तवारो पुन भूरी नहीं है किले नहीं की जाने अब घर। अच्छा तो ये है माँ के लिए खाना और माँ को माँ ये भारी रखेगी यहाँ पे और मैं ले जाऊंगा यहाँ से ऊपर। ये ऊपर पे हमारी गौशाला। ओके उसको फटक से भारी भी पहुंच चुके हैं घर पे और अब यहाँ पे घास फेंक दिया मैंने ऊपर से, अब इनको अंदर बांधते हैं। तो हमारी माता जी का हो रहा है अभी नाश्ता, ये अचार की एक टुकड़ी है और ये कद्दू की सब्जी है तोमे की और हमारी माता जी बड़े चटकारे लेकर खा रहे हैं। कड़ा बनाई में खाणो एक नंबर ना, बहुत सुंदर। तो मेरे जो माइक हैं वो उन पे बैटरी लो हो गई थी तो मैंने वो चार्जिंग पे लगा रखे हैं। तो भाई अभी मैंने ये हेडफोन कनेक्ट किया हुआ है ब्लूटूथ पे, तो अगर आवाज़ नहीं आ पाएगी तो माफ़ी चाहता हूँ। मम्मी भी दे चाय, मैं भी चाय पीता हूँ थोड़ा, ऐसे घर में पी ली थी मैंने एक गिलास, यहाँ पे पी लेते हैं। चलता लगो चाल दराती को पया रही है, पयारी बोले तो धार तैयार कर रही है और इसके बाद माँ ये काटेगी इधर का पूरा और मैं घर जाऊँगा और शाम को आऊँगा। तब शाम को हमें ये घास लगाना है पूरा पेड़ पे, थोड़ा वो ऊपर पे है और थोड़ा वो उधर ठाक रखा है माँ ने सुखाने के लिए। तो इस ऊल पे बहुत दिक्कत होती है, इसकी कटिंग करनी है। उसके बाद मैं एक भारी ले जाकर चलता हूँ घर और फिर तब शाम को आएंगे खाना खाकर माँ भी और मैं भी। तो मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद। तो भाई दोस्तों एक भारी मैं फिर से लेकर आया हूँ, अब जाते हैं घर। माँ ने कहा है कि शाम को लगाएंगे घास, तो अब चलते हैं घर। भाई दोस्तों वहाँ से आने के बाद मैं नहाया थोड़ी देर, अभी तक मैं थोड़ी देर हारमोनियम पे बैठा था। तो भाई थोड़ी तक पापा ने खाना पीना बना दिया, आज पापा की ड्यूटी थी खाना बनाने की। तो भाई अभी खाना ठंडा हो रहा है और अभी पापा ऊपर छत में जो तिल मैं आप लोगों को बता रहा था उसको झाड़ के उनको समेट रहे हैं। अभी वहाँ भी आई नहीं, फोन करते माँ को, उसके बाद है। तो भाई दोस्तों ये बता लिखे पापा ने घर की दाल, ये देखिए सब मिक्स है इसमें, राजमा तूर मसूर सब वगैरह मिक्स है इसमें, गंजड़ी मंजड़ी कहते हैं इसको आम डोली भाषा में मिक्स। इनको थोड़ा कूटेंगे हम, और इसमें बची है सुबह की कद्दू की सब्जी, तो भात के साथ खाएंगे इसको आराम से। तो भाई दोस्तों 4 बज रहे हैं और हमारी माता जी अभी पहुंच रहे हैं। तो क्या कारण है इतने लेट में आने का, है इतना देर तक पुगना मरे के वन उधान वन के दर कुछ नहीं बन रहे माना। आधा घंटा सही से बस धूप डल लेने। ये देखिए सूर्यदेव भाई नमो, अब धीरे धीरे करके और किनारे जा रही है धूप डलने के लिए। पहले तो इधर यहाँ डलती थी जब दिन बड़े होते थे, अब दिन छोटे हो रहे हैं तो यहाँ आके ढल रहे हमारे सूर्यदेव जी। धूप ढल चुकी है और हमारी माता जी खाना खाने के बाद छत में आई और चाय पीने का भी इनको
टाइम नहीं मिल पा रहे हैं, ऐसे कल तो बल तो सटापट्टी में पी रहे हैं, पता नहीं कहाँ की दूरी हो रही है। ये छपड़ा जो है किसी को चाहिए, हमारे यहाँ बहुत छपड़े हैं, अगर किसी के छत में नहीं है तो संपर्क करें लेके। तो मेरे दोस्तों अब जाएंगे हम वहाँ नीचे घास लगाने वाले नीचे, जहाँ मैं सुबह गया था माँ के साथ, और वहाँ पे घास लगाएंगे, फिर दिखाएंगे आप लोग को वहाँ पे जो भी होगा तो दिखाते रहेंगे। दोस्तों ये आज पापा की ड्यूटी थी, इतने तिल अभी बचे हुए हैं, थोड़े से ही यहाँ पे इसमें है, ये देखिए तिल, तिल की चटनी मंडवे की रोटी में तिल की चटनी, तिल की चटनी। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ नीचे खेत में, माँ भी आ रही है पीछे से। मैंने अभी ये विंटर डाला है क्योंकि यार सुबह में ना वो जो घास पे बारीक बारीक होता है ना, पूरा कहते हैं हमारे इधर उसको, तो वो लग गया था उस टी शर्ट पे ज़्यादा, तो अभी मैं इसलिए विंटर पहन के आया, इसमें ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। तो भाई तो हम इस पेड़ पे लगाएंगे घास और दिखाते हैं आप लोग को आगे आगे, तो बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों उधर अब माँ ने वाला हिस्सा लगा दिया है, अब मैं ऊपर से फेंकूँगा इसको, तो उसको दिखाते हैं आप लोग को। दोस्तों यहाँ का घास लग चुका है, अब ये इधर वाला लगाना है, ये वाला लगाना है इधर पे, तो इसको लगाएंगे हम उसी ऊपर, भीमल का पेड़ है उसको लगाएंगे ये ऊपर से। तो भाई दोस्तों अभी हमारे पास है पौना घंटा है हमारे पास, दोस्तों हमारे पास बचे हैं 30-40 मिनट करीब, 6:30 बजे करीब अंधेरा हो जाता है, तो यहाँ पे इतना घास मैंने इकट्ठा कर दिया, इसको लगाना है। माँ कह रही है कि मुश्किल लगेगा, माँ आपको ये देखिए, ये तो ये इतना लग पाएगा कि नहीं, तो अभी बने रहिए आप मेरे साथ ब्लॉग में और दिखाते हैं आप लोगों को, कहीं अंधेरा आज यही ना हो जाए, यही खाना ना बनाना पड़े, खाना मंगाना पड़ेगा यहाँ पे। हाँ आराम से जा, ए बक्के मलाड़ी है माँ के माँ, तो अंधेरा होने से पहले हमारा घास लग चुका है, यस हमने अपना टास्क पूरा कर लिया है, और अब चलते हैं घर की ओर। यहाँ नीचे पे मैंने भारी लगा रखी है, माँ ने मतलब मेरे लिए, तो उसको लेकर चलते हैं घर, और चले माँ। अब दोस्तों दो भारी लगे, एक भारी ये है, एक ये है, एक ले जाएगी माँ और एक ले जाऊंगा मैं, अब चलते हैं घर, और तब तक के लिए टाटा बाय गुड नाइट, और मिलते हैं आप लोगों को अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो जय श्री राम, जय माँ ज्वाला, जय देवभूमि उत्तराखंड।